गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं iQOO Z7 S4 में पावर बटन से कॉल को कट कैसे करें। गाइस अगर आप अपने फोन में कॉल को कट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चाहे आपको आपके पास कॉल आती रहती है या फिर आप कहीं भी कॉल रिसीव करके बात करते रहते हैं, पावर बटन से कॉल को कट नहीं कर पाते। अपने फोन के डिस्प्ले पे गाइस आप क्लिक करते हैं तब जाकर कॉल को कट कर पाते हैं। तो कुछ मैं ऐसी आपके लिए सेटिंग्स लेके आया हूं जिसके जरिए अपने फोन में अगर एक बार सिंगल बार पावर बटन को प्रेस कर देंगे बिल्कुल गाइस कोई भी कॉल लेके ऑटोमेटिक गाइस बिल्कुल वहां पे कट हो जाएगी, चाहे आप कॉल पे बात करते रहेंगे या फिर आपके पास कोई भी कॉल आती रहेंगे। तो पावर बटन से कॉल को कट कैसे करना है मैं जैसे आपको करके बता रहा हूं, सेम ऐसे आप भी अपने फोन में बिल्कुल गाइस कर लीजिएगा। साइड में देखिए फोन मिल जाएगा, इसके लिए पहले करना कि आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग को ओपन कर लेंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, इस वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक कर लेना। और यहाँ पे क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का एक सिंगल ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक कर लेना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा सिस्टम कंट्रोल्स का एक सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक करते हैं। फर्स्ट में एक सेटिंग मिलेगा पावर बटन एंड कॉल का, ठीक है। अगर आपके फोन में डिसेबल था इसी को इनेबल गाइस कर देना, इसको इनेबल गाइस कर देंगे। अब अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है या फिर आप कोई भी कॉल आप रिसीव करके बात करते रहेंगे, ठीक है, तो आप अगर एक बार पावर बटन को प्रेस कर देंगे बिल्कुल गाइस कोई भी कॉल लेंगे और ऑटोमेटिक गाइस कट हो जाएगी। तो काफी कमाल की सेटिंग है। अगर आप अपने फोन में पावर बटन से कॉल को कट गाइस करना चाहते हैं, मैंने जैसे आपको सेटिंग बताया ऐसे बिल्कुल सेटिंग गाइस करके पावर बटन से कॉल को कट गाइस कर सकती हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।